दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम IBPS PO वर्सेस SO के लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं, इसीलिए इस वीडियो में हम दोनों हैं क्योंकि मैं IBPS PO या IBPS SO है, तो हम दोनों इस दोनों पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है वो आपको वन बाय वन बताएंगे। मैं PO के पॉइंट्स बताऊंगी, प्रतीक आपको SO के पॉइंट्स, थोड़ा सा डिस्कशन की तरह रहेगा वीडियो, ताकि आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है प्रोफाइल में। सबसे पहले हम IBPS PO में क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर होता है, परिधि बताएगी आपको। तो देखो IBPS PO में आपको कुछ स्पेशलिस्ट क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, आपको सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप IBPS PO के लिए एलिजिबल होते हैं। अभी दोनों के नोटिफिकेशन आए हुए हैं, PO का तो एग्जाम हो चुका है, SO का बस आने ही वाला है। तो इसीलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि PO जो है वो सिर्फ PO का फॉर्म भर सकता है, लेकिन जो SO का SO का फॉर्म जिसको भरना है उसने हो सकता है PO का फॉर्म भी भरा हो। SO का क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा आपको समझा दूं, PO के क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा ऐड कर देता हूं कि कई बार बच्चे पूछते हैं कि मेरे पास इग्नू से मैंने डिग्री ली है ग्रेजुएशन की डिस्टेंस मोड से, तो मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। तो केवल उसके अंदर बैचलर डिग्री चाहिए आपकी, अब चाहे आप सेकेंड डिवीजन हो, थर्ड डिवीजन हो, आपने डिस्टेंस मोड से किया हो या रेगुलर मोड से किया हो, वो कुछ भी उसके अंदर आपका लेना देना नहीं है। अब हम चलते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर में क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। तो एज क्राइटेरिया तो वही रहता है जो PO के अंदर रहता है, एज का कुछ ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं होता है। फर्क जो होता है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का होता है। SO के अंदर क्या होता है, मूल रूप से 6-7 तरह की पोस्ट होती है जितना मुझे पता है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर होता है, फिर मार्केटिंग ऑफिसर होता है, फिर HR होता है, फिर एक आपका IT ऑफिसर होता है, एक राजभाषा अधिकारी होता है और एक लॉ ऑफिसर होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है लॉ ऑफिसर राजभाषा अधिकारी यानी हिंदी की फील्ड है, फिर आपका HR यानी HRM की फील्ड है, मार्केटिंग यानी मार्केटिंग की फील्ड है, तो इसके अंदर जो आपका प्रोफाइल है उसी प्रोफाइल की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जैसे मार्केटिंग के और HR के अंदर आपके पास MBA होना चाहिए, HR में HR का MBA होना जरूरी है और मार्केटिंग में मार्केटिंग का MBA जरूरी है, और MBA इसके अंदर रेगुलर मोड का होना जरूरी है। ये मैं केवल अभी मार्केटिंग और HR का बता रहा हूँ आपको। कई जगह मेजर और माइनर MBA होता है, तो जो मेजर वाला पार्ट है, जैसे आप HR से भर रहे हैं तो मेजर वाला पार्ट आपका HR का होना चाहिए, और अगर आप मार्केटिंग के लिए भर रहे हैं तो मेजर वाला पार्ट आपका मार्केटिंग का होना चाहिए, माइनर चाहे फाइनेंस हो चाहे कोई भी हो। इसके बाद हम राजभाषा अधिकारी की बात कर लें, तो राजभाषा अधिकारी के अंदर आपके पास ग्रेजुएशन आपने चाहे किसी में भी किया हो, इंग्लिश में किया हो, कुछ भी किया हो, चाहे डिस्टेंस हो या रेगुलर हो, आपके पास इंग्लिश होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, और PG आपका हिंदी में होना जरूरी है, उसके अंदर भी डिस्टेंस हो या रेगुलर मोड से हो, फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन कुछ मतलब नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके पास MA संस्कृत होना चाहिए और हिंदी और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट दोनों आपके पास ग्रेजुएशन में होना चाहिए। थोड़ा SO के लिए मैं थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा हूँ। SO में एक और मैं बताना चाहूंगी स्पेशली राजभाषा अधिकारी में, कि जो जैसे मैंने इंजीनियरिंग की है तो मेरा ग्रेजुएशन में कहीं भी इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट नहीं था, तो अगर अब कोई इंजीनियर चाहे कि वो MA हिंदी कर ले और फिर वो एलिजिबल हो जाए राजभाषा अधिकारी के लिए, तो शायद ही नहीं हो पाएगा। नहीं हो सकता वो एलिजिबल, लेकिन कुछ एक इंजीनियरिंग में ऐसा होता है कुछ कि यूनिवर्सिटीज हो सकती है, लेकिन हमारे का सब्जेक्ट होता है ऑप्शनल या कंपलसरी किसी में, तो वो लोग चाहे तो दे सकते हैं, मतलब इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, इंग्लिश से रिलेटेड, और MA हिंदी होना तो कंपलसरी है, वो तो कंपलसरी है। इसके बाद हम चलते हैं लीगल के अंदर, तो आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए लीगल के अंदर भी, फिर आपका एग्रीकल्चर के अंदर तो BSc वगैरह जो एग्रीकल्चर में कराई जाती है कहीं पे सॉइल साइंस में और अलग अलग एनिमल हस्बेंड्री में, उसका BSc का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आएगा तो जब हम SO का नोटिफिकेशन आएगा तो उसका डिटेल में बताएंगे, तो उसके अंदर आपका एग्रीकल्चर फील्ड से ग्रेजुएशन होना जरूरी है। इसके बाद HR मार्केटिंग मैंने बता दिया, IT के लिए परिधि आपको बताएगी क्योंकि IT मैंने भी दिया था। देखो ये क्योंकि मैंने IBPS PO दिया था लेकिन इंजीनियरिंग की थी तो मैं IT में भी एलिजिबल थी, तो IT वाला मैंने भी दिया था, तो उसमें आपको इंजीनियरिंग होना जरूरी या फिर MCA, क्योंकि MCA भी इक्विवेलेंट ही होता है, तो इन दोनों में से अगर आपने कुछ भी कर रखा है इन्हीं फील्ड में। इसकी एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन मैं आपको जब नोटिफिकेशन आएगा तो एक बार हम वीडियो इंडिविजुअली शेयर करेंगे, लेकिन CS IT वाली जो अगर ब्रांच में आपने किया हुआ है तो आप इसमें एलिजिबल होते हैं। अच्छा MCA वाले भी दे सकते हैं? हाँ उसमें है MCA का। तो ये हो गया इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद हम चलते हैं इनके एग्जाम पैटर्न पे, तो PO का एग्जाम पैटर्न पहले। PO का एग्जाम पैटर्न तो अभी जैसे PO तो चल ही रहा है, तो PO में वही प्रीलिम्स में रीजनिंग इंग्लिश क्वांट आता है और मेंस में भी नॉर्मली जनरल अवेयरनेस ऐड हो जाता है। लेकिन अब SO का अगर बात करें तो वहां थोड़ा डिफरेंट है। SO में क्या होता है, देखो SO के अंदर जो प्री होता है
प्री आपका जो लीगल का और राजभाषा अधिकारी का, मुझे जहां तक ध्यान है इन दो का जो प्री होता है उसके अंदर आपकी रीजनिंग आता है, जीके आता है और जनरल अवेयरनेस जिसे हम बोलते हैं, और इंग्लिश आता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लीगल और राजभाषा अधिकारी में नहीं आता है। हो सकता है नोटिफिकेशन में कुछ चेंज हो जाए, मैं थोड़ी सी चूक कर लूँ, जहां तक मुझे ध्यान है। और मेंस वाला जो पार्ट होता है वो पूरा प्रोफेशनल नॉलेज बेस होता है। जैसे अगर आप एमओ का देंगे तो आपको उसके अंदर प्रोफेशनल नॉलेज पूरी एमओ की पूछी जाएगी, लेकिन इन दो का प्री ही होता है। और बाकी के जो प्री होते हैं उसके अंदर मैक्स वाला पार्ट आता है, ठीक है, उसके अंदर इन तीन में से एक सब्जेक्ट हटता है और फिर मैक्स वाला पार्ट भी उसके अंदर ऐड होता है। तो जो प्री वाला पार्ट है, अगर आपने आईबीपीएस पीओ की प्री की अच्छे से तैयारी करी है और मेंस की भी अच्छे से तैयारी करी है, तो आपका एसओ का प्री जो है वो क्लियर हो जाएगा एसओ का उसी जो तैयारी से। मेंस होता है उसमें आई थिंक वहां पे रीजनिंग इंग्लिश डिफरेंस क्रिएट पॉइंट तो होता आता है। ही आता है, साथ में प्रोफेशनल नॉलेज भी आता है, मतलब नहीं एक्स्ट्रा नहीं आता है। नहीं जो एसओ का मेंस होता है उसके अंदर अब वो हट चुका है, रीजनिंग इंग्लिश पॉइंट वाला हट चुका है, केवल प्रोफेशनल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे राजभाषा अधिकारी के 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के आते हैं, फिर 10-15 मार्क्स का उनका ऐसे और वो सब्जेक्टिव आता है, ऐसे ही एचआर ओके में ओके मार्केटिंग में ओके, हुआ है। मैंने शायद जब दिया था जब प्री हाँ नहीं होता था एसओ का, अब इन लोगों ने हटा दिया पहले है। सिर्फ आई थिंक एक ही पेपर होता था जिसमें 3 ये सेक्शंस होते थे और एक हाँ सेक्शन प्रोफेशनल अब नॉलेज इनमें का क्या होता किया था। इन्होंने, प्री तो लगभग वैसा ही है इनका, सेम है आईबीपीएस पीओ जैसा। जो मेंस वाला जो पार्ट है हाँ वो पूरा प्रोफेशनल नॉलेज बेस्ड है, ओके उसके अंदर आप कोई रोल नहीं है आपका, रीजनिंग एप्टी आपकी स्ट्रांग है या नहीं है। तो ये एक तरह से अच्छा भी है क्योंकि एक स्पेशलाइज्ड पोस्ट होती है वो, तो उसमें वो टेस्ट करते हैं कि आपको अपनी फील्ड की कितनी नॉलेज है। प्री के अंदर वो चेक कर लेते हैं कि आपको बेसिक नॉलेज कितना है एप्टी रीजनिंग वगैरह से। तो ये आपका हो गया। कंपटीशन में थोड़ा सा आपको समझा दूं कि आईटी ऑफिसर निकालना पीओ से भी मुश्किल है। बाकी एसओ को अगर छोड़ दें, क्योंकि आईटी ऑफिसर में क्या है मैक्सिमम इंजीनियर्स ही बैठते हैं और इंजीनियर्स का थोड़ा सा जो क्वांट वाला पार्ट है ये सारा पोर्शन है ये थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, तो कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कट ऑफ बहुत आ जाता है, मतलब वो कट ऑफ इतना आ जाता है कि वो निकालना उसका मुश्किल एक हो कारण जाता ये भी है। है कि स्पेशलिस्ट के अंदर अगर हम मार्केटिंग और एएफओ हटा दें तो पोस्ट काफी कम आती है, हाँ काफी कम पोस्ट हाईएस्ट आती तो है, एएफओ की पोस्ट एएफओ आती और है फिर फिर एमओ की मार्केटिंग आती आती है। है। हाँ बाकी की पोस्ट कम आती है। अब हम जॉब प्रोफाइल के बारे में समझ लेते हैं। तो पीओ जो जनरलिस्ट होता है वो जॉब प्रोफाइल आप देखो समझाइए। जो पीओ होता है उसको वो जनरलिस्ट है तो उनको जितने भी जनरल बैंकिंग के काम होते हैं वो सारे करने हैं। अब जनरल बैंकिंग में सेविंग्स डिपॉजिट देन आपका एक करंट अकाउंट वाला मतलब पूरा डिपॉजिट वाला पोर्शन देन पूरा एडवांसेस जो लोन्स होते हैं, लोन्स में भी बहुत सारे लोन्स होते हैं, रिटेल लोन, एमएसएमई लोन, एग्रीकल्चर लोन, कॉरपोरेट लोन। अब यहाँ एक एग्रीकल्चर लोन वाला जो टर्म है ये स्पेसिफिकली एफओ देखते हैं, वो आपको बाद में प्रतीक बताएंगे। तो ये जो बाकी सारे लोन्स होते हैं जितने भी है एग्रीकल्चर को छोड़ के सब जर्नलिस्ट को देखने होते हैं, साथ में जितना भी एक्स्ट्रा काम होता है जैसे कैश वाला, लॉकर ऑपरेट करवाना, एटीएम में कैश कैश डालना, ये जितने भी जो ब्रांच बैंकिंग के काम कोर होते हैं, बैंकिंग जिसे हम कोर लोग बैंकिंग जो होती है, चाहे वो आपका NEFT RTGS करना है या फिर जितने भी फंड ट्रांसफर करना है, जो जो भी कस्टमर रिक्वेस्ट लेके आते हैं उन्हें एटीएम देना, उन्हें चेकबुक इशू करना, जितने भी काम होते हैं, अब चाहे बहुत सारे काम है, इतने सारे काम है कि मैं आपको यहाँ बताऊंगी तो बहुत इसको थोड़ा लंबी सा हम लिस्ट हो आसान भाषा में जाएगी। अगर समझे तो पीओ जो होता है वो जैक ऑफ ऑल होता है और किंग ऑफ नथिंग, और जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर होता है वो किंग ऑफ वन होता है। मतलब उसको एक ही फील्ड की स्पेशलाइजेशन होती है और उसी में उसको वर्क करना होता है। तो थोड़ा सा स्पेशलिस्ट का वर्क प्रोफाइल में समझा देता हूँ। जैसे हिंदी ऑफिसर जो होते हैं राजभाषा अधिकारी, उनको मेनली हिंदी से संबंधित काम देखना होता है। इसमें आपका ट्रांसलेशन आ जाता है, समय समय पर उनको संगोष्ठियां वगैरह ऑर्गेनाइज करानी पड़ती है, हिंदी की मीटिंग बैठ के जो होती है। इसके अलावा उनका ये देखने का काम होता है कि ज्यादा से ज्यादा वर्क हिंदी में हो। इसके अलावा जैसे हिंदी दिवस आता है, हिंदी पखवाड़ा आता है, वो उनको मनाना होता है। लॉ ऑफिसर का काम जो होता है लीगल से संबंधित होता है, जैसे जो रिकवरी सेक्शन में अक्सर लीगल ऑफिसर को बैठाया जाता है, तो वो उनका काम होता है। इसके अलावा एचआरएम डिपार्टमेंट एक होता है, तो जो एचआर ऑफिसर होता है उसका बेसिकली एचआर से स्पेशलिस्ट से रिलेटेड सारा काम होता है। मार्केटिंग ऑफिसर का जो काम होता है वो बैंक के लिए बिजनेस लाने का काम होता है। थोड़ा थोड़ा सुनने में आपको लगेगा कोर बैंकिंग जैसा है, लेकिन ऐसा है नहीं। उसको कोर बैंकिंग की तरह लोन पेपर्स पर उनपे इतने साइन नहीं करने होते हैं जितने एक पीओ को करने होते हैं। मार्केटिंग ऑफिसर बेसिकली बैंक की मार्केटिंग करता है और सेल्स बढ़ाने में आपकी मदद करता है। इसके अलावा जो एफओ होता है, एफओ का मुझे जहां तक लगता है, तो अगर इन सारी फील्ड में हम देखें तो एफओ की प्रोफाइल थोड़ी टफ होती है, बाकी सबसे बाकी सबसे टफ होती है, क्योंकि उन्हें ग्राउंड में जाके और गांवों में घूम घूम के बिजनेस लाना होता है। क्योंकि एग्रीकल्चर का जो लोन वगैरह का काम है वो टायर 3 टायर 2 ब्रांचेस में ज्यादा होता है जो गांव के अंदर होती है।
और मेनली इनकी जो पोस्टिंग है वो भी ब्रांचेस में होती है, ब्रांचेस में होती है। वो अभी अभी हम बताएंगे कि पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है इनकी। उसके बाद जो आपका आईटी ऑफिसर एक रह गया है, तो आईटी ऑफिसर मेनली ऐसा होता है कि हेड ऑफिस में ही बैठते हैं, ऐसा बहुत कम होगा कि ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। बाकी मैक्सिमम यही चांस है कि हेड ऑफिस में डीआईटी करके इनके डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहां पे रह के इनको वर्क करना होता है। इसके बाद हम चलते हैं कि इनका सैलरी स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सैलरी स्ट्रक्चर एसओ और पीओ का लगभग सेम होता है, कुछ एक थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। अलाउंसेस वगैरह बेसिक पे होती है, वो दोनों की सेम होती है, क्योंकि दोनों एज अ ऑफिसर ही रिक्रूट हुए हैं, तो दोनों की जो सैलरी है वो सेम होती है, 36,000 बेसिक पे दोनों का स्टार्टिंग होता है। प्रमोशन में पहले एसओ का बता देता हूँ आपको, जो प्रमोशन होता है जैसे जिस बैंक में हम हैं तो वहाँ पे जो स्केल 3 तक है वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जैसे कोई लॉ ऑफिसर है तो स्केल 3 तक लॉ ऑफिसर ही रहेगा। उसके बाद वो प्रमोशन लेता है स्केल 4 से, तो वहाँ से उसको जर्नलिस्ट में डाल दिया जाता है। कुछ बैंकों में ये भी ऑप्शन होते हैं कि 5 साल बाद स्पेशलिस्ट को ऑप्शन दिया जाता है कि वो चाहे तो जो पीओ का वर्क होता है, प्रोफाइल होती है, वो प्रोफाइल वो चुन सकता है जर्नलिस्ट की। तो ये प्रमोशन स्ट्रक्चर होता है। और पीओ का प्रमोशन स्ट्रक्चर, पीओ के प्रमोशन में यही कि आपको एवरी 3 इयर्स आप एलिजिबल हो जाते हो प्रमोशन लेने के लिए। लेकिन जो पीओ का प्रमोशन है वो थोड़ा सा इजी इसलिए होगा क्योंकि प्रमोशन में एग्जाम होता है, देन इंटरव्यू होता है, वो कॉमन होता है। तो एग्जाम इंटरव्यू तो एसओ के लिए भी वही क्वेश्चंस पूछेंगे जो पीओ के लिए। अब पीओ ने ऑलरेडी काम किया हुआ है, उनको नॉलेज होती है उस फील्ड की, तो वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं और इसीलिए उनका प्रमोशन होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। अब कोई मान लीजिए कोई राजभाषा अधिकारी में है और उनसे जनरल बैंकिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनको उसके लिए अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी जाके प्रमोशन होगा। तो ये दोनों डिफरेंस है प्रमोशन का। ऐसा नहीं है कि उनको एसओ को टाइम ज्यादा लगेगा या उनको अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं मिलेगी, अपॉर्चुनिटी दोनों को सेम मिलेगी, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा और इंटरव्यू के लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। इसके बाद हम चलते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग। ये सबसे बड़ा ऐसा टॉपिक है जो दोनों को डिफरेंस कर देता है सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से, स्पेशलिस्ट ऑफिसर और जर्नलिस्ट को। स्पेशलिस्ट का मैं पहले समझा देता हूँ आपको। स्पेशलिस्ट में क्या होता है, जो लीगल ऑफिसर हुआ, आपका आईटी ऑफिसर हुआ, राजभाषा अधिकारी हुआ और एचआर वाला, ये चार का तो मैं आपको कन्फर्म बता सकता हूँ कि ये लोग ब्रांचेस में नहीं बैठते हैं, ये एडमिन ऑफिस में बैठते हैं। जैसे जोनल ऑफिस होता है, रीजनल ऑफिस होता है, सर्कल ऑफिस होता है, हेड ऑफिस होता है बैंक का, ये लोग वहां मिलेंगे आपको। अब कभी भी आप जो लोग कभी एडमिन ऑफिस नहीं गए उनको समझ नहीं आएगा कि ये लोग बैठते कहाँ हैं, कई बार हमसे लोग पूछते हैं। तो ये आपको पब्लिक डीलिंग जहाँ ब्रांचेस में होती है वहां आपको नहीं मिलेंगे। मार्केटिंग ऑफिसर और एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, ये जो AEO जिसे हम बोलते हैं, उनकी पोस्टिंग जरूर ब्रांचेस में होती है और उनके अंडर में उनको जैसे ऐसे बोल दिया जाता है कई बार कि आपके अंडर में इस एरिया की 3-4 ब्रांचेस है तो आपको इनके लिए बिजनेस लेके आना है, तो उनकी पोस्टिंग जो है ब्रांचेस में रहती है। दूसरी चीज ये है कि जो लीगल ऑफिसर, एचआर, राजभाषा अधिकारी, आईटी ऑफिसर, ये जो होते हैं ये मैक्सिमम मेट्रो सिटीज में होते हैं, तभी तो इनकी वैकेंसीज भी कम है। कम आपको वैकेंसीज में डिफरेंस समझ आ रहा होगा कि जैसे रूरल या जो सेमी अर्बन या ऐसी जो ब्रांचेस होती है, ब्रांचेस क्वांटिटीज में ज्यादा होती है इसलिए वैकेंसीज ज्यादा है एमओ और एएफओ की, और जो ऑफिसर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं इसलिए जो बाकी चार पोस्ट है उनकी वैकेंसीज कम है। मार्केटिंग ऑफिसर को भी अगर मैं इसमें इंक्लूड कर लूँ थोड़ा सा, मेट्रो के अंदर ही चांस होता है हम लोग का भी, बड़ी सिटीज में आने का ही चांस होता है। कई बार मार्केटिंग ऑफिसर को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में पोस्टिंग दे दी जाती है, लेकिन सबको नहीं, सबको नहीं, वो बहुत रेयर टू रेयर केस होता है। बाकी अगर लीगल ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, आईटी ऑफिसर, एचआर की बात करें तो इनको मेट्रो सिटीज ही पोस्टिंग मिलेगी, इनको रूरल पोस्टिंग नहीं देता है बैंक। और जर्नलिस्ट की पोस्टिंग कैसे होती है, जर्नलिस्ट की पोस्टिंग तो आपको पता ही होगा कि कहीं भी हो सकती है पैन इंडिया में, आपको चाहे वो रूरल ब्रांच हो, सेमी अर्बन हो, अर्बन हो, मेट्रो हो, और फिर ऐसा नहीं कि इनको ब्रांच ही देंगे, हमें ब्रांच भी दे सकते हैं, रीजनल ऑफिस भी दे सकते हैं, सर्कल ऑफिस भी दे सकते हैं, हेड ऑफिस, मतलब कहीं भी आपको पोस्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ ब्रांच हो, और भी अदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, कुछ स्पेशलाइज डिपार्टमेंट होते हैं बैंक्स के, ट्रेजरी होता है, रिटेल असेट हब्स होते हैं, देन करेंसी चेस्ट होते हैं, बहुत सारी अलग अलग इतनी सारी चीजें होती है कि वो आपको कहीं भी पोस्टिंग दे सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। स्पेशलिस्ट के लिए अगर आप छोटे शहर से हो तो आपको होम पोस्टिंग मिलना डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट क्या है, कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। मान लो अगर आप लीगल ऑफिसर हो और आप छोटे शहर से हो और वहाँ पे आपके ऑफिस बैंक का रीजनल ऑफिस वगैरह है ही नहीं, तो आप आ भी जाओगे, रीजनल ऑफिस होगा तो भी 3 साल के लिए आपको बैंक पोस्टिंग देगा, उसके बाद आपस आपका ट्रांसफर किसी दूसरे शहर के अंदर ही होना है। लेकिन आप जनरलिस्ट हो तो आपकी सिटी में अगर 4-5 ब्रांचेस भी है, तो ऐसा मैंने देखा है कि अगर लोग प्रमोशन नहीं लेते हैं तो उनका लाइफ 10 से 15 साल तो वो आराम से एक जगह निकाल सकते हैं।
अब अगला पॉइंट है वर्कलोड। तो वर्कलोड जो होता है वो एसओ के अंदर प्रोफाइल वाइज वेरी करता है। जैसे अगर मैं हिंदी ऑफिसर, लीगल ऑफिसर और एचआर आईटी को अगर थोड़ा सा चुन लूँ इसमें, तो उनका वर्कलोड कंपैरेटिवली मार्केटिंग ऑफिसर और एईओ के कंपैरिजन में सबसे कम होता है। लेकिन सबसे ज्यादा वर्कलोड की अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो अनुभव है अभी तक का, तो एफओ को सबसे एफओ ज्यादा को वर्कलोड सबसे रहता है, ज्यादा उसके बाद वर्कलोड है। मार्केटिंग ऑफिसर को वर्कलोड रहता है, और फिर ये जो मैंने नीचे के आपको सारे बताए इनको वर्कलोड रहता है। तो वर्कलोड जो है वो अलग अलग तरीके से थोड़ा कम इनको इसलिए रहता है कि एडमिन ऑफिस रहते हैं तो इनको पब्लिक डीलिंग वगैरह कम करनी होती है, लेकिन इनके पास दूसरी चीजें ऐसी होती है जो अलग तरह का प्रेशर होता है। जब किसी की जॉब लगेगी तो ही उसे समझ आएगा, वो चीजें होती है। जनरलिस्ट का वर्कलोड कैसा रहता पीओ का वर्कलोड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि एसओ से ज्यादा होता है? है, क्योंकि एसओ में अब ये चार पोस्ट को हटा दे तो हाँ एफओ को, तो जो एफओ है वो तो हमारे जैसे ही नॉर्मल हमारे साथ ही ब्रांच में बैठते हैं तो उनका वर्कलोड तो वही रहेगा, लेकिन ये है कि उनको सिर्फ लोन का ही काम देखना है। फिर उनको ये नहीं बोलेंगे कि आप एटीएम में भी चले जाओ, आप कैश भी देख लो, आप डिपॉजिट भी देख लो, उनका काम फिक्स हो गया है कि उनको लोन के लिए ही रिक्रूट किया गया है तो उनको एग्रीकल्चर लोन ही देखना है। फिर लोन के लिए वो चाहे तो उन्हें बाहर भी जाना पड़ सकता है, बाहर से कस्टमर भी लाने पड़ सकते हैं। तो ये बस एएफओ के साथ थोड़ा डिफरेंस होता है, बाकी पीओ को वर्कलोड होता है। फिर ये मल्टीटास्किंग वर्कलोड जॉब होती है एक तरह से, पीओ पीओ को को फिर सब बहुत करना सारी चीजें पड़ता साथ में मैनेज करनी पड़ती है। फिर ये ब्रांच टू ब्रांच भी वेरी करता है कि आपकी कौन सी ब्रांच में पोस्टिंग है, वहां किस तरीके का काम है, आपको कौन सा डिपार्टमेंट दिया है, तो ये सब वेरी करता है। लेकिन है। अगर खैर इस चीज कंपेयर को करें लेके तो काफी पीओ और एसओ में काफी बार बहस होती है कि एसओ बोलते हैं कि तुम लोग को होम पोस्टिंग भी तो मिलती है जो एसओ को नहीं मिलती है, वो एसओ कभी अपने घर नहीं जा सकता है। तो ये सबका अपना अपना देखने का नजरिया है। अगर मान लो किसी को होम पोस्टिंग से ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि हमें तो घर ही रहना है, हम कहीं भी रह सकते हैं, तो उनके लिए मुझे लगता है ऐसा अच्छी है। हाँ, और अगर किसी को ये है कि उनको होम पोस्टिंग चाहिए, भले ही मैं लेट सिटिंग 8-9 बजे तक भी बैठ के काम करूं, बैंक के लिए बिजनेस लाऊं अच्छे से, तो उनके लिए पीओ ज्यादा बेटर है। अब ये सबका अपना अपना नजरिया है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ अभी तक के डिस्कशन से बच्चों को क्या समझ में आया है। और ये हमारा पहला ही वीडियो था जिसमें हम साथ में ऐसे बैठ के हाँ डिस्कस किया, लाइव में तो हमने कई बार आए हैं। तो अब आप लोग बताएं कि आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके, और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप आप लोग लोग का का बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद।